नेक्स्ट नाइन न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। यूपी की सियासत में हर बार हम देखते हैं कि हलचल जो है वो तेज हो जाती है, चाहे वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हो या फिर अखिलेश मायावती हो या फिर योगी आदित्यनाथ हो। यूपी में जब भी योगी आदित्यनाथ कोई बड़ा फैसला लेते हैं तो भारतीय जनता पार्टी और या फिर हम कहें कि कांग्रेस या फिर अखिलेश मायावती, जो हलचल है वो काफ़ी तेज़ हो जाती है। और यही हम देखते भी आ रहे हैं कि अखिलेश और मायावती लगातार इस कोशिश में कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ का जिस तरीके से गढ़ कहा जा रहा है अभी यूपी को, उस पर कैसे काम किया जा सके, उस पर जो लोगों का विश्वास वो खो चुके हैं वो दोबारा से कैसे कायम किया जा सके। तो अखिलेश और मायावती लगातार इस कोशिश में है और यहाँ पर जो मेन चेहरा है वो आजम खान भी है। आजम खान को लेकर के अखिलेश यादव जो है उन पर ये लगातार बातें चल रही हैं कि अखिलेश यादव जो है वो आजम खान का साथ क्यों नहीं छोड़ रहे हैं। आजम खान लगातार जेल में रहे, उसके बाद उन पर कई जो में दर्ज हुए, उसके बाद उनकी जिस तरीके से छवि निकल करके सामने आई तो वो काफ़ी देखने वाली चीज़ है। और लगातार जो लोग ये बात कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि यूपी में योगी आदित्यनाथ का काम लोगों को पसंद आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, या फिर मायावती आजम खान को जिस तरीके से उनकी फेवर में बातें करते हुए नज़र आती हैं, उसके बाद ये देखना दिलचस्प हो जाता है कि आजम खान का रुख किस तरफ जाता है या क्या वो अखिलेश यादव को अभी भी पूरा समर्थन देने के लिए तैयार रहते हैं या फिर मायावती की तरफ जाते हैं। तो इस तरीके की जो अटकलें हैं वो लगातार जारी हैं। अब जो सवाल ये पैदा होता है कि जो 2024 के लोकसभा चुनाव है उसमें किस तरीके की तस्वीर निकल करके सामने आती है, क्योंकि यूपी जो है वो जो राज्य है वो काफ़ी बड़ा राज्य है और यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं या फिर ज़मीनी स्तर पर जिस तरीके से लोगों का आत्मविश्वास जीतने में वो काम कर रहे हैं, उसके लिए कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। अखिलेश यादव के सामने बड़ी चुनौती है, मायावती के सामने बड़ी चुनौती है और इसीलिए आजम खान को लेकर के भी जो बातें चल रही हैं, अब देखना होगा कि किस तरीके से जो आजम खान जो तस्वीर निकल करके सामने आ रही है या फिर अखिलेश यादव का जो कहना है कि आजम खान का वो साथ नहीं छोड़ेंगे, तो देखना होगा कि लोकसभा चुनाव में किस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो निकल करके सामने आती है। बहरहाल आप इस मामले पर क्या रखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़। नमस्कार।